मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे पुलिस आयुक्तालय द्वारा उनके अंतर्गत आने वाले 36 पुलिस स्टेशनों को निर्देश जारी किया गया है कि पुलिस स्टेशन में ज़्यादा भीड़ जमा न होने दें। शिकायतकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वो अपनी शिकायत ईमेल या फ़ोन कर शिकायत दर्ज कराएं। ज़्यादा गंभीर मामला है तो ही पुलिस स्टेशन में आकर शिकायत दर्ज कराएं। दरअसल ये निर्णय सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है। सभी पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर मास्क भी मुहैया कराया गया है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में भी देखा गया कि भीड़ नहीं है और पुलिसकर्मी मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंब्रा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने क्या जानकारी दी है। पुलिस स्टेशन की भी जो कंप्लेंट आपको देना है, जो कंप्लेंट आने की जरूरत नहीं, वो ऑनलाइन भी कंप्लेंट आप कर सकते हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और मार्केट एरिया में और जहाँ जहाँ अपने को खुद को जहाँ आप स्वच्छता रखना है, इम्पोर्टेंट है, वहाँ आप स्वच्छता रखिए, अपने खुद के घर में स्वच्छता रखिए। ये सब अवेयरनेस हमने पुलिस स्टेशन की तरफ से किया है। ये सब निर्देश हमें माननीय पुलिस आयुक्त ठाणे शहर साहब ने दिया था, उनके आदेश के मुताबिक कार्रवाई चालू है। कल माननीय कलेक्टर साहब ने जो आदेश निकाला था उसके ऊपर से कल से पान टपरी अगले आदेश तक पूरी बंद करके, जो धूम्रपान या तंबाकूजन पदार्थ जो है वो भी हमने पान टपरी कल से बंद करके रखी है, वो अगले आदेश तक जारी रहेगा। अपने हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हुई है उसका पालन करना चाहिए। और सबको यही विनंती है कि आप अफवाह के ऊपर ध्यान मत दीजिए। जहाँ को कोई प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ सरकारी एजेंसी के पास में जाकर या हॉस्पिटल में जाकर आप वो बात कंफर्म कीजिए, उसके बाद ही उसके ऊपर कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत। आप भी भीड़ से ज़्यादा बचें और साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें और बार बार हाथ को धोते रहें। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।